तो भोजन करते समय खाना कुछ थाली के नीचे गिरता है कि नहीं? हाँ या ना? तो थाली के नीचे गिरा, आपको क्या लगता थाली के नीचे गिर गया तो उठा लेंगे ना? कहते हैं खाते समय जो भोजन थाली से नीचे गिरता है उस भोजन को प्रेत ग्रहण करता है। आप देखें ना देखें, लेकिन हमारे आसपास पॉजिटिविटी नेगेटिविटी है। जैसे बैक्टीरिया को हम नहीं देखते, लेकिन नहीं दिखता इसका मतलब ये छोड़िए कि बैक्टीरिया नहीं है। कोरोना को हमने नहीं देखा कि सफेद है कि काला है कि गोरा, लेकिन नहीं दिखा पर ऐसा तो नहीं कि नहीं था, था। आपके हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया है, आपको नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये छोड़िए कि नहीं जी नहीं दिख रहे हैं, मतलब नहीं है, है? माइक्रोस्कोप से देखिए आप, सब दिखेगा। उसी तरह हनुमान चालीसा में क्या लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे क्या मतलब है? भूत पिशाच होते हैं तब तो लिखा है, नहीं होते तो लिखने की क्या जरूरत थी तुलसीदास जी को? हनुमान चालीसा में होते हैं तब ना लिखा। तो याद रखिएगा कि हमारा खाया हुआ अन्न इसलिए ऐसा खाओ कि थाली से जूठन ना गिरे। कुछ लोग तो ऐसा गलत खाते हैं कि खाते खाते ऊपर मुंह से ना कुछ दाने चावल के कुछ रोटी का कण नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये बहुत गलत है। इस तरह से खाने से केवल दरिद्रता ही आएगी। इस तरह खाने वाला व्यक्ति दरिद्र होता है, और जो दरिद्र है आप देख लेना वो ऐसे ही खाते होंगे, इसलिए दरिद्र है। खाते समय ना तो थाली टूटी होनी चाहिए, ना तो जिस गिलास में पानी पियो वो गिलास भी चटकी नहीं होनी चाहिए। जिस लोटे में पानी पियो, कुछ लोगों के बर्तन चटके होते ना, स्टील का बर्तन चटका है, तांबे का बर्तन, माताएं जिस बर्तन में दाल बनाती हैं वो भी चटका है, नहीं चटके बर्तन का प्रयोग नहीं करना, उससे दरिद्रता का वास होता। तो जो हम भोजन करते हैं तो भोजन करने से क्या जो थाली के बाहर गिर जाता है वो प्रेत ग्रहण करता है। इसलिए अशुद्धि, उसी तरह जब आप नहाते नहीं है जैसे आप शौच करने गए।